नमस्कार दोस्तों, आमिर खान के बारे में ये तीन बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। आप मेरे बातों पे सही से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे मैं पहला बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान से आमिर खान को इतना प्यार क्यों है, पहला बात पाकिस्तान से आमिर खान को इतना प्यार क्यों है। और दूसरा बात मैं आप लोगों को बता दूं कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म पे जो है सो पब्लिक विरोध क्यों कर रहा है, आखिर रीज़न क्या है। और तीसरा बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, क्या आमिर खान देशद्रोही है, क्या ये देश का गद्दार है। इन सभी प्रश्नों का, इन तीनों प्रश्नों का जवाब जो है सो मैं आप लोगों को दूंगा। और आप लोग दोस्तों नीचे कमेंट करके मुझे जवाब अवश्य दीजिएगा, लिखिएगा कि जो मैं बात बोला वो सही है या गलत है। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि आमिर खान का फ़ैन मैं भी था और मैं भी हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है। लेकिन इन तीनों बातों पे जो है सो आप ध्यान दीजिए, इसके बाद आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि ये खान किस प्रकार का खान निकल गया आपको। जैसे मैं पहला प्रश्न क्या था दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान से आमिर खान को इतना प्यार क्यों है, आखिर क्या रीज़न है। दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं होना तो एक बात पे आप फोकस अवश्य कीजिएगा। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आमिर खान जो भी मूवी दे रहा है ना अभी, उसमें जो है सो पाकिस्तान के बारे में जो है सो कुछ अच्छा दिखाने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो पाकिस्तान के जितने आतंकवादी हैं ना, उससे हमदर्दी जताने का कोशिश करता है। कोशिश ये करता है कि पाकिस्तानी आदमी खराब नहीं है, मतलब पाकिस्तानी के लिए अमन शांति चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान और भारत क्या हो जाए, एक हो जाए। आखिर इसके दिल में पाकिस्तान के लिए इतना हमदर्द आखिर क्यों है दोस्तों, आप ही जरा बताओ। वो क्या चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अमन शांति हो जाए, पाकिस्तान और भारत एक हो जाए, पाकिस्तान के जो भी आतंकवादी है उसके साथ हमदर्द आखिर क्यों जताता है। आप देखो कोई भी फिल्म है, जैसे पीके में भी आप देखे होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ किस प्रकार वो जो है सो मतलब एक्टिंग किए थे लास्ट में, कि हर पाकिस्तानी गलत नहीं होते हैं, उसमें भी दिखाया। और दोस्तों ये लाल सिंह चड्ढा भी जो मूवी जो बनाया, तो इसमें भी यही जो है सो दिखाया है कि हर पाकिस्तानी आतंकवाद क्या होता है, खराब नहीं होता है। इस फिल्म में क्या किया है दोस्तों, तो पाकिस्तान के आतंकवादी को ये जान बचाते हैं, और यही जान बचाने के बाद इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और वो सुधर जाते हैं, और बाद में इन दोनों बिजनेस करने लगता है और अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। तो यही मेरा प्रश्न था, और ये जनता का भी, ये पब्लिक का भी यही प्रश्न है कि आखिर पाकिस्तान से इतना हमदर्द क्यों है इसको। जरा आप ही सोचो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ दोस्तों? ये पीके मूवी में जो इस्तेमाल किया था पाकिस्तान को अच्छा, तो ये महान एक्टर को इसमें जो है सो दिया था, जो एक्टर पे पूरे भारत को क्या है गर्व है, पूरे भारतवासी को गर्व है, सुशांत सिंह राजपूत, ऐसे एक्टर को जो है सो पाकिस्तानी उसमें बना दिया गया था। और बोला गया था कि हर एक पाकिस्तानी गद्दार नहीं होता है। ये साबित क्या करना चाहता है, क्या चाहता है? अब मैं आप लोग को इतना बता दूं दोस्तों कि अभी हाल ही का बात है कि पाकिस्तान में एक फंक्शन हुआ था, और उसमें मतलब बहुत सारे कॉलेज का या बहुत सारे कॉलेज का विद्यार्थी सब उसमें क्या लिए थे, हिस्सा लिए थे। तो उसमें क्या हुआ, तो एक भारतीय लड़का जो है सो स्टेज पे जाके वंदे मातरम और तिरंगा जो है सो फहराने लगा। वहाँ पे जो भी पाकिस्तानी बैठा था ना, वो सब विरोध करने लगा कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो और ये पाकिस्तान में चलने वाला नहीं है। अब जरा सोचो कि पाकिस्तान के दिल में, एक एक पाकिस्तान के दिल में जो है सो हिंदुस्तान के लिए कितना जो है सो क्या मतलब भरा हुआ है, मतलब क्रूरता भरा हुआ है, कितना वो मतलब हिंदुस्तान को देखना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन यही हमारे देश के इतने बड़े एक्टर, जिस पे जो है सो मतलब पूरे भारतवासी नाच करते हैं कि अपने भारत देश में ऐसे ऐसे एक्टर है, इतने इतने अच्छे व्यक्ति है, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ अमन शांति चाहता है, पाकिस्तान के आतंकवादी के साथ हमदर्दी चाहता है, बार बार ये दिखाने का कोशिश करता है कि पाकिस्तान बहुत ही अच्छे है, मतलब पाकिस्तान बहुत ही अच्छे है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक साथ हो जाना चाहिए। आप ही जरा सोचो ये किस प्रकार का एक्टर हो सकता है दोस्तों। और दूसरे बात पे मेरा फोकस कीजिएगा कि दूसरा बात दोस्तों कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म पे पब्लिक विरोध क्यों कर रहा है, आखिर रीजन क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले मैं आप लोग को इस फिल्म के बारे में कुछ बता दूं। देखिए दोस्तों, ये इस फिल्म को जो है सो पूरे ट्रू कॉपी हॉलीवुड, जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप, इस फिल्म का जो है सो पूरे नकल किया है। और इतना ही नहीं, केवल इस फिल्म पे आमिर खान बोल रहे थे कि मैं पूरे 10 या 12 साल से क्या कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। फॉरेस्ट गंप ये हॉलीवुड मूवी है दोस्तों, और इसी मूवी का ट्रू कॉपी पूरे नकल कर लिया है, पूरे सेम का सेम नकल कर लिया है। और इस फिल्म में मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों
कि अपने जो ये एक्टर है आमिर खान है ना, इसमें जो है सो आपने इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में जो है सो आपको नजर आएंगे। मतलब दोस्तों भारतीय सेना के यूनिफॉर्म में नजर आया है इस फिल्म में, इसका यही किरदार है कि भारतीय सेना का यूनिफॉर्म में जो है सो ये नजर आया है। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फिल्म में ये ऐसे मतलब एक्टर बने हैं जो मानसिक रूप से जो है सो पूरे क्या हो, कमजोर हो, मतलब दोस्तों लो आईक्यू वाला व्यक्ति है और मानसिक रूप से ये पूरे पूरी क्या है, कमजोर है। और इसके बाद ये किसका रोल खेला है तो भारतीय सेना का यूनिफॉर्म इसमें जो है सो पहना है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इतना ही नहीं और इस फिल्म में ये कारगिल युद्ध लड़ रहा है। अब बताओ कारगिल युद्ध, जब अपने भारत जो कारगिल युद्ध जीता था ना दोस्तों, तो वहां पे जो है सो एक तिरंगा झंडा जो है सो फहराया था, लहराया था, जो कितना गर्व की बात है। और इस फिल्म में यही दिखाया गया है, लाल से चड्ढा में कारगिल युद्ध लड़ रहा है। और जबकि ये जो रोल खेला है ना, तो मानसिक रूप से ये पूरे कमजोर है, पूरे लो मतलब आईक्यू का ये मतलब लोग है, इसमें इंडियन आर्मी का रोल लिया है। अब जरा सोचो दोस्तों, सबसे बड़ा बात ये है कि अपने देश का इंडियन आर्मी, सब ये सवाल मतलब भारतीय सेना सबकी मतलब जो भी फैमिली है, जो भी पब्लिक है, परिवार है, वो सवाल ये उठाते हैं कि अपने भारत का ये कभी भी नियम नहीं लागू हुआ कि मतलब कोई लो आईक्यू का जो है सो लो को जो है सो इंडियन आर्मी में क्या कर ले, भर्ती ले कर ले उसको, जिसका मानसिक रूप से पूरे क्या हो, वो कमजोर हो, क्या वो कभी भारतीय सेना में भर्ती हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा गलती ये किया है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फॉरेस्ट गंप जो है ना, इस मूवी का जो ये नकल टोटल कर लिया है, तो उसको ये पता होना चाहिए, इस एक्टर आमिर खान को, ये सेम का सेम तो नकल कर लिया है, लेकिन इसको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका में एक ऐसा समय भी आया था दोस्तों, जो मानसिक रूप से पूरे कमजोर लोग हो ना, उसको भी सैनिक में क्या किया था, तो भर्ती किया गया था। उसी तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं, जब वियतनाम का युद्ध हुआ था 1955 ईस्वी में दोस्तों, मैं डिटेल्स में आपको बता दूं, जब देखिए 1955 ईस्वी में जो वियतनाम का जो युद्ध जो चल रहा था ना उस समय में, तो अमेरिका के पास सैनिक क्या हो गया, तो कम पड़ गया। तो उसी समय जो है सो अमेरिका 1,00,000 प्रोजेक्ट जो है सो मतलब लागू किया गया था, जिसमें जो मतलब सभी 1,00,000 सैनिक को जो है सो कहाँ भेजना था, वियतनाम भेजना था, क्योंकि उस समय में सैनिक का इसका जो है सो जरूरत था, कम पड़ गया था उस समय में। तो इसीलिए अमेरिका 1,00,000 प्रोजेक्ट जो है सो घोषित किया था और कहा था पूरे 1,00,000 सैनिक को कहाँ जाना है आपको, तो वियतनाम जाना है। तो उसी समय में जब सैनिक सब कम पड़ने लगा, जब सैनिक सब मिल नहीं रहे थे, तो उसी समय में अमेरिका जो है सो बनाए थे कि देखिए ऐसे भी व्यक्ति को आप ले लीजिए सैनिक में, जो केवल हाथ में क्या पकड़ सके, बंदूक पकड़ सके, केवल वो ऐसे व्यक्ति को ले लीजिए जो केवल हाथ में बंदूक पकड़ सके और ट्रिगर चलाना आ जाए, ऐसे व्यक्ति को आप सेना में क्या कर सकते हो, ले सकते हो, उसको अलाउ दे दिए थे। और उस समय में जो है सो बहुत सारे ऐसे सैनिक थे दोस्तों जो लो आईक्यू का था, जो मानसिक रूप से बहुत ही क्या थे, कमजोर थे, ऐसे ऐसे सैनिक को भी जो है सो वियतनाम क्या कर दिए थे, भेज दिए थे। और उस युद्ध में दोस्तों ऐसे ऐसे मतलब सैनिक बहुत ही ज्यादा क्या हुए थे, मरे थे, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति को तो मतलब कैसे लड़ सकता है, कैसे इस सब के बारे में जानकारी हो सकता है, तो बहुत सारे व्यक्ति जो है सो मरे थे। और अमेरिका को जो है सो बाद में ये बहुत ही बड़ा अफसोस हुआ था कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे सैनिक को उतार दिए थे दोस्तों, जो मतलब लो आईक्यू के लोग सब थे, मानसिक स्थिति से वो पूरे मानसिक रूप से पूरे क्या थे, कमजोर थे दोस्तों। इसीलिए ये फिल्म जो है सो फॉरेस्ट गंप जो है सो बना था और इस ये बहुत ही हिट मूवी गया था। तो ये गया तो बहुत अच्छा गया, क्योंकि मतलब वो तो रियल घटना था। लेकिन आमिर खान जो नकल किया ना दोस्तों, तो आप ही जरा सोचो, ये सबसे पहले इंडियन आर्मी अपने भारत में मतलब ऐसे भर्ती लिया नहीं जाता है जो मानसिक रूप से क्या हो, कमजोर हो, क्या दोस्तों ऐसे लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, नहीं लेता है। और दूसरा बात मैं आप लोगों को बता दो कि उस मूवी में जो है सो एक चीज बदल दिया गया है, जैसे मैं उसमें जो मतलब मानसिक रूप से कमजोर रहता है ना, तो उसमें आप देखना, इस मूवी को अगर आप लोग नहीं देखे हैं दोस्तों, तो इस मूवी को आप देखना, तो इसमें क्या करता है वो व्यक्ति, तो मतलब अपने से जो हाई ऑफिसर रहता है ना, इसका जो मतलब सीनियर ऑफिसर रहता है, उसको वो क्या करता है, मतलब जो मानसिक रूप से कमजोर रहता है, जो ये हीरो का एक्टर का रोल उसमें लिया है, वो उसको क्या करता है, बचा लेता है। तो बचाने के बाद अच्छा खासा उसके साथ रिलेशनशिप हो जाता है और वो साथ साथ बिजनेस करने लगता है और अच्छा खासा पैसा बाद में कमाने लगता है। लेकिन सेम आमिर खान क्या किया है लाल सिंह चड्ढा में, मैं आप लोगों को बता दूं
कि इसमें क्या किया है आमिर खान, तो ये तो मतलब मानसिक रूप से कमजोर का रोल तो लिया ही है, और इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म जो है सो पहना है और कारगिल युद्ध लड़ने के लिए गया है दोस्तों, और उसी युद्ध के दौरान पाकिस्तान के एक आतंकवादी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, मतलब मरने के तगार पे रहते हैं, तो आमिर खान उसका जान बचाते हैं दोस्तों, और जान जब बचाते हैं ना तो वो मतलब अच्छा खासा इसके साथ रिलेशनशिप हो जाता है, वो दोस्त बन जाते हैं, दोस्त बनने के साथ दोनों आदमी साथ साथ बिजनेस करने लगते हैं और अच्छा खासा कमाने लगता है। आप जरा सोचो ये क्या दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान का आतंकवादी को इसका मतलब क्या, ये हमदर्द जताना चाहता है कि नहीं, आप ही जरा सोचो। अगर इस फिल्म को नकल किया तो पूरे पूरी नकल करना चाहिए ना। अरे अपने ही इंडियन आर्मी का कोई सीनियर ऑफिसर को बचाता तो पाकिस्तान के आतंकवादी को ही क्यों बचाया, क्योंकि वो साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान का आतंकवादी बहुत ही अच्छे है दोस्तों, खराब नहीं है, वो साबित करना चाहता है। आप ही जरा सोचो ये कितना बड़ा जो है सो गलती किया है लाल सिंह चड्ढा फिल्म बना के दोस्तों, और इसमें कारगिल युद्ध लड़ रहा है, ये कितना बड़ा अपमान कर रहा है भारतीय सेना को। और तीसरा पॉइंट मेरा ये है दोस्तों, क्या आमिर खान देशद्रोही है, ये प्रश्न उठता है, क्या आमिर खान देशद्रोही है दोस्तों, तो मैं ये डिसाइड नहीं करूंगा, आपको डिसाइड करना है कि आमिर खान अपने देश के लिए कितना ज़्यादा सोचता है, आखिर अपने भारत देश के लिए उनके दिल में जो है सो कितना जगह है, आखिर ये पाकिस्तान को मतलब अमन शांति हमेशा उसके साथ हमदर्दी जताना, भारत को चाहता है कि एक हो जाना, और पाकिस्तान का एक एक व्यक्ति भारत को तिरंगा को तक को देखना पसंद नहीं करता है, इसके बाद अपने देश का ऐसे ऐसे एक्टर जो है सो ऐसे कर रहा है, इसके बारे में आप क्या जो है सो कहना चाहते हो, मैं नहीं कहूँगा, आप खुद जो है सो मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों ये कि अपने देश का ये क्या हो सकता है। और इतना ही नहीं, मैं आमिर खान को ये कहना चाहता हूँ कि आज जो आप इतने बड़ा एक्टर या सुपरस्टार जो आप हो गए हैं ना, तो आप याद रखिए यही हिंदुस्तान के व्यक्ति आपको सुपरस्टार बनाया है, और इस हिंदुस्तान में 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदू की जनसंख्या है, आप जरा सोचो कि यही हिंदुस्तान के व्यक्ति, यही हिंदू जो खून पसीना से मतलब पैसा इकट्ठा करके टिकट जो है सो कुछ पैसों से खरीद के आपका मूवी जाता है देखने के लिए, और आपके जैसे व्यक्ति को वो स्टार बना देते हैं, आप जरा सोचो, आप इस हिंदुस्तान के रहने वाले हो और यही 80 करोड़ प्लस हिंदू इस हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर आपको वो अगर धर्म के अनुसार अगर देखते हैं तो क्या ये हिंदू आपको सुपरस्टार बना पाते हैं, नहीं बना पाते, याद रखिए। आप भी कुछ जरा सोचिए और स्वयं जो है सो आपको विचार करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को क्या बताया कि आमिर खान नकल तो इस मूवी का पूरे किया था, लेकिन लास्ट में ऐसे नकल चेंज कर दिया ना, ये पाकिस्तान का आतंकवादी का हमदर्दी बन गया ना, आखिर इससे ये क्या दिखाना चाहता है इस मूवी में, आप ही लोग जरा बताओ दोस्तों। आखिर आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हो और आमिर खान के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, आप नीचे कॉमेंट करके मुझे बताना। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।